पहले वाली बात, अगर हनुमान मलिक के अंदर मैसेज पहुंच पाए जैसे भी, तो मतलब बी अ मैन मुंह पे जाके बोलो भाई, मर्द है तो मर्द की तरह बात। हनुमान मलिक के तैयार है लगाने के लिए, पोस्टर बन के रेडी हो चुके हैं, वोट फॉर लव केस कटा रहे जी, देख लो भाई अभी तक के नंबर वन जो चल रहे हैं शो में एज पर न्यूट्रल ऑडियंस एज वेल। ये तो ये वाले पोस्टर भी भाई, ये वाले भी है, पूरी तैयारी हो रखी है, बस एक महीने की और बात रह गई, उसके बाद सिस्टम हैंग हो जाएगा ट्रॉफी घर पे। हाँ भाई छोटू, इसमें कोई वो नहीं है, बिग बॉस देख रहा हूँ अंडे जी अभी, यहाँ इसको बड़ा समझ आ रहा है बिग बॉस, ये तो नन्हे लोग पता चल जाएंगे, मैं चाहता तो दिखता हूँ अपना, फिर देखेगा 12 बजे सो गए विराट ने, 12 बजे के कब तक सोंगे भाई, और इसके पापा सोए 4 बजे सुबह भाई, चाचू मैं चाचू आज भी कह रहा था दिन में मेरे कपड़े वीकेंड के कपड़े भिजवाओ, कल भी बोल रहा था, रात तो भिजवा दिया, टाइम भिजवा दिया, अगले हफ्ते गांडे देखने पड़ेंगे अपने को, सब बड़े चल बढ़िया चल रहा है अपना लड़का, एक नंबर ये ही है। हाँ भाई ये बिग बॉस जा रहा है अपने, ये अपने डब्बा पैक करके बिग बॉस जाने की तैयारी है, वाइल्ड कार्ड एंट्री, वाइल्ड कार्ड एंट्री ले गए, ये अपने अंकल से मिलने के लिए जा रहा है, सोचो फैमिली वीक में ना कटारे भाई जिसकी इमोशनल हो जाते सब, आंटी आंटी बुखारा नो इसको भेज दे भाई, ये आया अब इससे कर पाते बिग बॉस है अंकल से मिलने के लिए, चले हाँ चलो भाई लड़का रेडी है, हम तो 3-4-5 घंटे 4 घंटे सोते होंगे मुश्किल से, 12-1 बजे 12 तो डेली है, और दिन में तो मेरा भी नहीं 12 बजे, ऐसे ही टाइम शेड्यूल हो गया अब तो, दिन में भाई मैं स्कूल भी भेज ही रहा भाई, कॉलेज स्कूल जा अभी, अलग परेशान है कैरी, बाकी आंटी आपको क्या लगता है कौन-कौन नॉमिनेट होगा वो वाला जो शेर की गुफा वाला था आज दिखाएंगे, दो बार एलिमिनेट कर रहे हैं, ज्यादा टेंशन ये तो इस बार हफ्ते में, ये तो कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ चुकी है वैसे तो अभी तक, शिवानी अब चौथी बार हो जाएगी अंकल, आज चौथी बार हफ्ते में 2 बार कर रहे हैं ना, तो दोनों बार में हुई है, एक आध दिन में विशाल को जाके अरे भाई सुनना, अरे भाई सुनना, बताएगा नहीं बताएगा क्या, बिग बॉस तो कहिए भाई मैं अगर कोई शक करना चाहे ना तो बड़े प्यार से शक करो, अभी हां ये हम देख रहे हैं कौन इसलिए लग रहा है हमें, बाकी अंदर से अरे उनको क्या पता अंदर तो सारे ऐसे हैं, बाकी एक बंदा और खड़ा करा मेरी आंखों में 2 दिन से, मेरे से एक बंदा खड़ा करा कल से, कल तो मेरा दिमाग घूम गया, कल मैं नहीं देखा, कल तो मैं इतना मतलब पूरा दिन उनकी चुगली करी उस बंदे, हां अरमान मलिक के, हां खुद ही पूरा दिन मतलब, चलो भाई गाड़ी निकालो नहीं और किसी की बात हो, इतना एक लोग कैसे दिख रहे हैं, उसे पता ना आंटी जी की ऐसी होने वाली है आगे उसको ना मतलब ये तो कोचिंग लेगा है, ये दूसरा इसकी कोचिंग बन रहा है, कोचिंग तो खैर वो भी लेके गया है कि क्या कैसे करवाना अपनी सारी दोनों की, उसका उसकी फ्रेंड है ना, आशिका भाटिया विशाल की फ्रेंड है, और दूसरा घर डर ये है कि वाइल्ड कार्ड मेरी पहली बीवी ना आ जाए पर भाई अरमान भाई देखो जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे, बल्कि मैंने देखा रणवीर जी इतना इंटरेस्टेड नहीं है चुगली करने में, ये क्या नाम है अरमान मलिक ज्यादा इंटरेस्टेड है, दो बीवी के साथ रहेगा तो वही सीखेगा चुगली, तीन भाई हाँ मतलब वही दो शादी कोई भी नहीं करना, मतलब बहुत दिक्कत होती है, दो शादी इतनी प्रेशर लोग
बाकी पायल जी का इंटरव्यू भी मैंने देखा तो वो भी यही कर दी सबसे टॉप कंटेंडर इस टाइम लव कटा रही है। अभी एक और घर वाला भी तो आ रहा है भाई, लगा देखो कौन है कौन। गेम से कई लोगों की औकात पता लग जाती है, ये वाली बात है। वाइल्ड कार्ड की एंट्री होगी तो बस होने वाली है टू सून। अरविसाल मोनी साहब मेरे कोई नेगेटिव बंदे नहीं लगते, और ये जो मतलब जो बाहर थे वही है अंदर है मेरे हिसाब से, मेरे को तो ऐसा लगता है। मतलब वही है वो जो बातें करते हैं दिखा रहे हो। डिंपल वाली सना भी तो यहां की वहां कर रही है, कर रही है। हाँ वो थोड़ा वो वीकेंड के बारे में थोड़ा होगी है, वो सबके साथ शांत है पर इसकी यहाँ उसकी वहाँ उसकी वहाँ ठीक हो बहुत कर रही है। बाकी आज उनकी भी लड़ाई होगी थी रणवीर की और कौन है वो उसकी डिंपल वाली सना की। ये डिंपल वाली सना कौन? अरे वो सना उसकी डिंपल पड़ते हैं सना बबू लो ले लिया। हाँ जो पहले हमारे वाले ग्रुप में थी तीन वाले ग्रुप में, अब वो ग्रुप छोड़ के उधर भाग गई है, उसे लग रहा है वहाँ जीत जाऊंगी मैं। वो ये उधर करने के चलो बाकी देखते हैं आज किसका एलिमिनेशन होता है। हाँ 15 दिन हो जाएंगे कल। कितनी तारीख होगी? आज हो गए 15 जुलाई आज वो लोग हो गए। पंगे लेके घर में आप लोग दिखोगे, प्यार से भी रह के दिख सकते हो आप। उठ गए गाइस, पावन उठ गया, इसको देख लो देख 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 देख। भाई पूरे घर में सिर्फ लपकेश का ही टॉपिक उठ रहा, टॉपिक ही नहीं है हद है। गाइस ये देखो पावनी की इलेक्ट्रॉनिक ब्रश मंगाई है, इसका बर्थडे का पहला गिफ्ट, और ये ऐसे चलती है। और विराज कह रहा मुझे दे दो। क्या कह रहे हो? विशाल के तो कई जिसने कई टैरो करवाए कार वो जो है और उसका लवकेश का। हाँ उसका नुबली आज नहीं देख सकती, एक बंदे के एक दिन देखा है ना। हाँ नुबली एक बता दूंगी आज की एनर्जी के हिसाब से, आज के दिन के हिसाब से। हाँ विशाल का लोग इसका सेम निकला दोनों का बेटे एक, और वो भी मतलब जो आज के दिन की तुम्हारी एनर्जी है सेम है दोनों की, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सेवा। मतलब वो दोनों दिल से एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं ना कि उनके टैरो कार्ड्स भी बिल्कुल सेम निकले हैं, जो इनकी एनर्जी है उसके हिसाब से उन्होंने बताया। प्रॉपर 100% उनकी एनर्जी बिल्कुल सेम है, तो बहुत बड़ी बात है ना। और बताओ ना और क्या क्या हुआ और बताओ मुझे, इधर देखो आप, अब बताओ मेरे को क्या क्या हुआ। और मैं अभी नहीं बता रही, मम्मी कह रही पहले बंदे खरने बाद में बताऊंगी, तो भाई आप लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा, मैं अभी वेट कर रही हूँ। एक्चुअली पावनी के स्कूल के उसमें ना थोड़ा काम वाम है उसमें लगे हुए, तो उसके जिसमें देख नहीं पाए, बट कोई बात नहीं, मम्मी ने देखा आज पूरा, तो मम्मी बताएगी सारी अपडेट्स देंगी मम्मी मुझे और आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो लेट्स सी, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए चल रहा है घर में बिग बॉस। विराज भी कह रहा है चाचा बोलो दिखा। लपिश है क्या ये? मुन्नी जी काम पर लग गए, ये तो एक बार कहते ही देख लेती है, इनके तो अच्छे लगे हैं ना भाई, जेन्युइन बंदे। देखो जो जेन्युइन होता है ना उसका सब लोग साथ देते हैं। लग रहा है लवकेश में ना। हाँ
खाना भी नहीं खाया जिसने ना। क्या किया क्या नहीं किया इसने? भाई थोड़ी देर में बताएंगे, रुक जाओ पहले हम सुन लें। रोटी बनाई मतलब किसने, एक नंबर जिसको कहते हैं एकदम गोल। शेरों की मम्मी रो रही है क्या? तू गिरेगा पे जाना। शेरों की मम्मी रो रही है क्या? और एक लोहार की। जब घर में बाहर वाला मौजूद है तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? तो इसलिए आज घर पे बीकी राशन आएगा उस लिस्ट के हिसाब से जो मुझे बाहर वाले ने भेजी है। तो बाहर वाले द्वारा मांगा आपका सारा वीकली राशन स्टोर रूम में रखा है, उसे वहां से ले ले। धनिया का कितना? गुड गुड थैंक यू सो मच बिग बॉस। कुछ नहीं बोलना, देखो वो चिकन ढूंढ रहा होगा। इसका तो मुंह उतर गया। अपने मुंह में अभी ठोन रहा है लेकिन किसी भी टाइम में विराज को देखना। चंद्रिका ये अपने अपना दिमाग लड़ा दे, बाल वाला कौन है, घर वाला कौन है। पूरा ही ले लिया लोकेश ने तो। रेगुलर के लिए ग्लूटेन फ्री ये लगा हुआ है। बढ़िया ये ना बिग बॉस चाहते हैं कि तीनों का राशन क्लैश हो जाए और ये एक एक सिमिलर सीन से तुमने दूध चुना, उसने दूध चुना, उन्होंने दूध चुना, तो ज्यादा दूध आ दे। हम तो घर चलाए बैठे वही चीज मंगाई। एक नंबर ये देख के लगा हुआ है तो बढ़िया। कौन है साइड होने के बोल रहे? कौन है रखा पर इसने? गाइस हाय गाइस एक कर करना होगा। वी हैड अ लड़ाई। क्या बोल रहे हैं? ये खुश हो रहे हैं कि हमें हमारा राशन मिल गया जो हमें चाहिए था। ये जनरल मैसेज है। इनके मुंह बन गए। बड़ा जीत गए लोग तो। बेसिक राशन
कॉल्स पर मिस आ रही है बेटा, लेकिन आज के रैंक के मुताबिक ही ये लोग राशन की शॉपिंग कर पाएंगे। क्या बंद कर दो, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो, थोड़ा सा ही तो रहेगा, एक लाइन और रहेगी। वेरी गुड वीरा, आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ जी एक नंबर। अभी तो रह रहा है नेजी, नेजी खुश हो गया। मस्त एक नंबर। लसे लव केक, लसे लव मिट, ये बड़ा मजा आया रम्मी। सैल्यूट इन हमारे जवानों के लिए, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी ऑलवेज। इतनी भाई इतनी गर्मी में ये लोग बिना एसी के बिना उसके जा रहे हैं भाई, मतलब भाई ये तो चलो कुछ नहीं है, बॉर्डर पे भी खड़े होते हैं। बॉर्डर पे भी भाई, जो जैसलमेर साइड है, जो वो वाला साइड, राजस्थान वाला साइड, वहाँ पे भाई जब यहाँ पे 50 डिग्री और था भाई, वहाँ पे तो क्या ही हालत थी। वीडियो वायरल हुई थी एक बार, इस बार जो पापड़ लिया एक सोल्जर ने और उसे मिट्टी के अंदर रख दिया और पापड़ भाई पक गया, सिक गया पक गया जो भी होता हो भाई। हिम्मत है भाई, आपकी हिम्मत है, इंडियन आर्मी आपको सैल्यूट है ऑलवेज, दिल से रिस्पेक्ट रहेगी। और बाकी भाई जितना हो सके ना भाई, आर्मी वाले लोग जब भी आपको देखे करें या फिर आप हेल्प करना चाहो ना, तो प्लीज इनकी हेल्प करा करो, मतलब एक सैल्यूट तुम्हारा करो। एग्जैक्टली भाई, क्योंकि ये लोग भाई डिजर्व करते हैं, ये हमारी प्रोटेक्शन। ये आज हम इसलिए सो पा रहे हैं क्योंकि भाई ये लोग नहीं सो रहे, तो भाई आप लोग प्लीज इनको रिस्पेक्ट दिखाया करो। और जो इसी नवाई अरमान मलिक के बारे में क्या कहना चाहोगे, दो शब्द? अरमान मलिक, वाली बात, अगर अरमान मलिक के अंदर मैसेज पहुंच पाए जैसे भी, तो मतलब बी अ मैन, मुंह पे जाके बोलो भाई, मर्द है तो मर्द की तरह बातें बोल मुंह पे, कि तू ये है तो तू ये है, ये नहीं कि किसी और के कान में जाके ये नहीं चलता, मुंह पे बोल साले, सामने बोल कि भाई तू ऐसा है, लव तो तू ऐसा है, विशाल तू ऐसा है तो तू ऐसा है, ये नहीं, मुंह पे बोलो, मुंह पे बोल खामों का, बाकी बाकी तू बाहर आ जाएगा तो सिखा देंगे भाई हाउ टू बी अ मैन। कोई दिक्कत नहीं, बाकी भाई डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स हैं, जाके फॉलो वॉलो कर लो भाई, वहां पे अपडेट मिलते रहेंगे, अपडेट मिल रहा है, मौसम कैसा हो रहा भाई गुड़गांव में। ओके ठीक है भाई, व्लॉग पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर, ठीक है भाई, टाटा बाय बाय विद द ब्यूटीफुल सीन।